मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की कहानी है काफी खास, जो आपको बहुत पसंद आएगा। जी आज की कहानी एक पत्नी की है जिसके पति अधेड़ थे, मतलब अंधे थे। अब वो सच में अंधे थे कि कैसे अंधे थे, ये तो आपको कहानी में पता चलेगा। तो कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के नोटिफिकेशन में जाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें, ताकि आपको हमारी कहानियाँ सबसे पहले पहुँच सके। दोस्तों ये कहानी है हनी की। हनी कहती है, मैं पंजाबन हूँ, मेरा शहर अमृतसर है, मेरी उम्र है 28 साल, मैं एक बच्चे की माँ हूँ, मैं बीएससी के बाद 2 साल की एमएससीटीए की हूँ। अब मैं आपको मेरे पति के बारे में बताती हूँ। मेरे पति मुझसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं। मैं उनके साथ घर वालों के खिलाफ जाकर शादी की थी। उनके पास बहुत पैसे हैं। मैं एक साधारण से घर में पैदा हुई थी। हम 3 बहनें ही हैं। शौक पूरा करने के लिए मैंने शुरू से ही अमीर लड़के साथ चक्कर चलाया था, ताकि मेरी सारी शौक पूरे हो जाए। मेरे पति का बिजनेस बहुत फैला हुआ है, मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं मेरे पति ही भारत रहते हैं, उनके दोनों भाई अमेरिका में बिजनेस करते हैं, सास ससुर वहीं रहते हैं। शादी के बाद मैं भी अपने पति के साथ बहुत ज़्यादा सीमित थी। उम्र में फ़र्क होने की वजह से वो मुझे हमेशा खुश नहीं कर पाते। बिजनेस के चलते शहर से बाहर, कभी देश से बाहर जाना पड़ता, और मैं बहुत पागल सी रहती। घर से बाहर निकलकर किसी और से संबंध प्यार के बनाऊं, इससे डर लगता है। इनका नाम है, काफ़ी लोग जानते हैं, इसलिए डरती थी। इनको भनक भी पड़ जाए तो मुझे छोड़ देंगे। ऐसो आराम की जिंदगी से कहीं वो मुझे बाहर निकलकर फेंके। तो घर पे कई नौकर थे। एक दिन मैं अपने कमरे में खड़ी थी, तभी मेरा नज़र बंदवाली पड़ गया। बंदवाली लाल कमजीज में नहा रहा था और मैं उसे देख रही थी। सच कहूँ तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैंने सोचा कि नौकर इतने सारे हैं घर पे, इन्हीं को आजमा लूँ, कोई ना कोई तो सेट हो ही जाएगा, और फिर घर में ही गंगा वाला काम होता रहेगा। नहाने के बाद उसे दोपहर का खाना बनाना था। वो मेरे ही पास आने वाला था। आज जब उसने मुझे देखा तो उसकी नज़र मेरे ऊपर ऊपर से नीचे तक पड़ी। मैंने नसीली आंखों से उसे देखा। जब उसकी नज़रें मुझसे मिली तो मैं उसे मुस्कुरा दी। अनाड़ी तो था नहीं, मैं कमरे पे आकर लेट गई। उसको मेरे पास ही ना आना था, और उसने दरवाज़ा खटखटाया। आ जाओ मैडम, चाय रख दो। खाने में क्या बनाना है मैडम, बताइए। साहब आएंगे दोपहर को? नहीं, वो शायद रात को लौटेंगे, मेरा दिल नहीं है। मैं सीधा होकर लेट गई। सुबह से मेरी तबीयत सही नहीं है, बदन बहुत दर्द दे रहा है। मेरे अंगड़ाई लेने ते हुए बहाने से कहा, फिर क्या बनाऊं? उसकी नज़र मेरे ऊपर थी। क्या देख रहे हो? जो ठंडा बियर का 2 मग बना लाओ। क्या कह रही है मैडम? सही कह रही हूँ, बदन टूट रहा है, बहुत दर्द है। कम से कम पीकर खुद शराबी होकर सो जाऊंगी। गरम शराब गरम शबाब को जला देती है। आपके लिए बना देता हूँ। नहीं, दोनों के लिए। कहीं साहब आ गए तो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अंगड़ाई लेते वक्त मैं बोली, सब दरवाजे बंद कर दो, जल्दी से आ जाओ। वो 5 मिनट बाद ट्रे में 2 मग बनाकर ले आए। मुझे पकड़ा कर अपना लेकर बोला, मैडम मैं बाहर जाकर पी देता हूँ। मैंने 5 मिनट में मग खत्म किया और आवाज लगाई, बनवारी खत्म हो गई, 2 और बना दो, अपने लिए बनाना। हाँ मैडम। मुझे सुरूर सा था। मग में बजाए मैंने उसे पकड़ा और कहा कि चलो अब शराब पीते हैं, और मैंने फिर और एक शराब पी ली, और फिर हम दोनों शराब के नशे में बेताशा हो गए। और उसके बाद से मेरे शौक जो मेरे पति पूरे नहीं कर पाते, वो मेरा नौकर पूरा कर देता। ये थी दोस्तों कहानी। कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन इस कहानी से मैं आपको इतना कहूँगी कि अपने चाहने वालों की हर शौक को पूरा कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी और से शौक पूरा करने चले जाए, तब क्या होगा, इस बात को सोचिए। सेफ रहिए, सावधान रहिए, अपने चाहने वालों के साथ रहिए। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।